जैन साथियों, अगर आप एसएससी जीडी का कैंडिडेट और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ाई के लिए जरूर मन लग जाएगा। तो ध्यान से सुनो, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंत में आप कुछ सीख के जाओगे। एक गांव का स्टोरी शेयर करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड के वजह से एक बार लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन होने के बाद हमारा स्टेट में कुछ अमीर आदमी थे जो मिलके रेशन का सामान बांट रहा था, जैसे कि आटा चावल ये बांट रहा था। तो इन्होंने सोचा था हम रात को ये आटा चावल बांटेंगे। तो एक गांव में चला गया जिसमें बहुत ही गरीब है, गांव में चला गया। रात का 12-1 बजे गया और वहां पे अनाउंस कर दिया कि भाई हम आटा चावल आप लोगों को बांट रहे हैं फ्री में, तो जिसको जरूरत है वो आके हमारे पास से लेके जाए। तब लगभग रात का 12-1 बज रहे आसपास इतना टाइम पे। तो गांव में जितना आदमी थे जिस जिसको आवाज सुनाई दिया सभी ने आ गया एवं लाइन में खड़ा होके ले रहा था। एक एक पैकेट उसको आटा मिल रहा था 1 किलो का। तो ये अनाउंस सुन के एक फैमिली जिन्होंने बोला अरे यार मरने दे, रात को कौन जाएगा चावल लेने आटा लेने, वो भी 1 किलो मिलेगा इतना लंबा लाइन इतना ठंड में, तो उन्होंने आया नहीं। फिर सभी को बोला कि आप लोग ये आटा चावल लेके तुरंत यहाँ से चला जाओ, अपना घर में जाके इसको रोटी बनाओ और खाओ। तो सभी ने ले लिया, लेके अपना घर अपना फैमिली के साथ चला गया। फिर जाने के बाद जैसे उन्होंने रोटी बनाने के लिए पैकेट फोड़ा तो देखा अंदर हर पैकेट में 10,000 रुपया करके डाल रखा है आटा के अंदर। तो तब ये सुन के जो आया नहीं उसके अंदर अफसोस हो रहा था, क्यों, काश मैं चला जाता उस टाइम तो मेरे को भी पैसा मिल जाता। तो इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिला? कुछ भी चीज हो, अगर आलसी हो जाओगे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं बन पाओगे। तो आलसी कभी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही स्टोरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल में नया है तो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना।